गई मैं। तुम रात को घर पर क्यों नहीं आए? अम्मी और रुवेदा परेशान हो रही थी और मैं भी। बाद में बात करता हूं तुमसे। सब ठीक तो है ना? जोहरा फिकरत के पास चली गई है फिर से, मेरे पास खत छोड़ के चली गई। जोहरा फिकरत के पास चली गई, क्या मतलब? उसने ऐसा क्यों किया? यही सवाल तो मैं अपने आप से कर रहा हूं कि वो आखिर क्यों चली गई, क्यों चली गई? मैं भी जाऊंगा। सईद रुको, कोई पागलपन मत करना। सईद, फोन काट दे। या अल्लाह रहम कर, अगर वो मेंशन चला गया तो या अल्लाह रहम, वो तो उसे मार देंगे। मैं कुछ सोचता हूँ, क्या उसको एड्रेस पता है वहाँ का? करीब से ही तो मुझे पिक किया था, ढूंढ लेगा वो उन्हें। एक काम करें, आप फौरन जाके सईद को रोकें। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो जवीरा साहिबा, मैं सईद को वापस लेकर आता हूँ। लेकिन मेरी बात सुने, मुझे मेंशन का रास्ता पता है, मैं भी चलूँ आपके साथ? रुवेदा यहीं रुको, सब यहीं रुके, मैं अकेले ही जाता हूँ। सईद को मैं लेकर आ जाऊंगा, तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा, इंतजार कीजिए बस मेरा। आप सब यहीं रुके, ठीक है? मैं आता हूँ। यकीन नहीं आ रहा ये मैं क्या देख रहा हूं। जोहरा खुद चल कर आई है यहां।
कुछ भी हो, लेकिन हम भूल नहीं सकते कि तुमने क्या क्या किया। बाबा मुबारक हो, आज तो बहुत खुश होंगे आप, क्योंकि इतने अरसे से जो आप कोशिश कर रहे थे आज वो कोशिशें रंग ले आई हैं। जो खुशियां हम देना चाहते थे वो आज आप खुद ले आए। मुझे भी अच्छा लगा बहुत। चलो बाबा के सामने झुककर माफी मांगो। जल्दी। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। बाबा सुन रहे हैं ना आप, अभी तक वही अदाएं, गुस्सा। याद रखो, माफी तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी, वरना हम यही समझेंगे कि जोरा तुमने कराकिया खानदान की शान में गुस्ताखी की और हमेशा हमारी इज्जत को दागदार किया, और आज भी कर रही हो। मैं इसे सजा जरूर दूंगा बाबा। जाकिर चुप रहो। चलो बाबा के सामने झुक जाओ और माफी मांगो। जितनी जल्दी माफी मांग लोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बनाने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। सुन रही हो ना तुम मुझे? मैं नहीं झुकूंगी, कुछ गलत नहीं किया मैंने। तुम अगर जिद्दी हो तो जिद्दी मैं भी बहुत हूं। मैं झुकता नहीं हूं, सिर्फ झुकाता हूं। अब दिखाता हूं मैं तुम्हें। हाँ, जोरा मेरी बीवी है। अब अगर किसी ने कोई गलत हरकत की तो याद रहे गोली में सीधी उसके सर पर मारूंगा। आपने मेरे गार्ड को गोली मारी, आपने अच्छा नहीं किया। मैं इससे भी बुरा करूंगा अगर किसी ने गलत हरकत की। सिर्फ इस्तांबुल ही नहीं बल्कि आसपास के गांव भी, बल्कि पूरा इलाका। अगर आप यकीन करें तो पूरे उर्गुप के लोग आपको देख रहे हैं बाबा, और वो ये सोच रहे हैं कि इस औरत ने आप पर क्या जादू किया। आप ये बताएं कि आप क्या सुनना चाहते हैं लोगों से, कि आप एक मामूली लड़की के हाथों एक कठपुतली बनकर रह गए बाबा। मैं नहीं चाहता बाबा कि कोई भी मेरे बाप को बेवकूफ समझे। क्या मिला है आपको अभी तक बाबा? आपने अपने रोब और दबदबे का तमाशा बना लिया है। आप हमारे आबाओ अजदाद की इज्जत को भी खो बैठे हैं बाबा। क्या चाह क्या रहे हैं आप कि वो लोग जो बरसों से हमारी इज्जत करते चले आ रहे हैं वो हमें रुसवा करें? आप बताएं, आज तक तो किसी की जरूरत नहीं हुई कोई हमारी इज्जत पर उंगली उठाए। आप खुद ही बताएं जो मैं कह रहा हूं गलत है, आप खामोश क्यों खड़े बाबा? बोले बाबा, जो कुछ मैं महसूस कर रहा हूं क्या वो गलत है? जाकिर, मुझे इज्जत का सबक देने की जरूरत नहीं है,
वो भी खासकर तुम्हें। अगर तुमने हमारे आबा अजदाद से कुछ सीख लिया होता तो कम से कम इतना जरूर याद होता तुम्हें कि अपने बाप से बात करने के क्या आदाब होते हैं। इसलिए तौर तरीके मुझे मत सिखाओ तुम। आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं बाबा, कुछ नहीं। तो फिर तुम बताओ ना मुझे जाकिर कि तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो। बताओ तो क्या ये सीखा है तुमने मुझसे? यहां से दूर हो जाओ। ले जाओ इसे। ज़ोरा, आ जाओ ज़ोरा। सर, दरवाजा लॉक कर दूं? इसकी कोई जरूरत नहीं। वो मालिकन है इस घर की, तुम हर वक्त उसके साथ रहोगे, कोई भी नुकसान ना पहुंच सके उसे। तुम समझ गए हो ना? जी ठीक है। और अगर उसे किसी ने कुछ कहा तो अंजाम यही होगा। जो आपका हुक्म। सब अपनी हद में रहेंगे। बाबा, आपको लगता है कि यहां सारी बात खत्म हो गई है? बाबा, बाबा आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? बाबा, बाबा गुस्सा नहीं प्लीज। अब्बास तुम जाओ प्लीज। मुझे पता है कि तुम्हें कैसे रुकना पड़ेगा सईद। आ जाइए ज़ोहरा साहिबा। यहां आ जाइए। बैठिए। आपको ये कमरा पसंद आया? बेटा तकिया ला के दो, टेक लगा लीजिए। भूख लगी है? नाश्ता लेकर आऊं आपके लिए? ऑमलेट और मक्खन खाना पसंद करेंगे ज़ोहरा साहिबा, या सॉसेजेस बना दूं आपके लिए? हाँ, अम्मी बहुत अच्छी पेस्ट्री भी बनाती हैं सच में। नहीं, भूख नहीं है। हाँ, भूख तो नहीं लग रही होगी आपको। मैं समझ सकती हूँ। एक गिलास पानी दे दो मुझे। शुक्रिया। कुछ चाहिए तो जब्बार को बता दीजिएगा, फिर हम आ जाएंगे, ठीक है? शुक्रिया। चलो बेटा।
जी, आपको कुछ चाहिए तो मैं ला दूं। मैं समझी कि दरवाजा लॉक नहीं होगा, क्योंकि एक तरीके से मैं मालिकन हूं इस घर की, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए हूँ ताकि मैं आपकी हिफाजत कर सकूँ, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुँचा सके आपको। और क्या आप जानती हैं ये हुक्म फिक्र साहब ने दिया है? यानी मैं चाहूँ तो घूम फिर सकती हूँ कहीं भी, यही मतलब है आपका? जी बिल्कुल, आप इस घर की मालकिन हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं। ठीक है, शुक्रिया। क्या कर रहे हो मेरे साथ? हाँ? क्या कर रहे हो ये? देखो, ये जोहरा का फैसला है कि वो वहां जाए। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, समझ गए तुम? मेरे रास्ते में मत आना। मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, समझे तुम? रुको यहीं। मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगा मैं। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना बहुत बुरा कर दूंगा तुम्हारे साथ। तुम जो करना चाहते हो करके देख लो, मैं नहीं हटूंगा यहाँ से। इन्हें क्या हो गया? क्या हो रहा है ये लोग? अरे रुक भी जाओ यार, चलो सईद मेरे साथ चलो। सईद, समझ नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? दिल मत करो ये, कह चुका हूं ना मेरे मामलात में नहीं हो, पीछे हट जाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं तो यहां से नहीं हटूंगा, तुम जो चाहते हो कर लो। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं माफी चाहता हूं लेकिन मुझे ये करना पड़ा। आदिल बस कर दो, जाने दो मुझे। नहीं जाने दूंगा मैं। ये दोनों पागल हैं। मैंने तुम्हारी अम्मी और बहन से वादा किया है कि तुम्हें सही सलामत घर वापस लेकर आऊंगा। और मैंने जो जोहरा से वादा किया उसको कभी नहीं छोड़ूंगा, उसका क्या करूं? सच है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये तो उसी का फैसला था ना। चलो ठीक है, रोड को फाइट क्लब बनाए हुए। कम से कम आराम से तो मारते, इतनी जोर से मार दिया तुमने मुझे सही, पागल हो क्या? मर गया तो कफन दफन भी तुम ही करना, समझे? अच्छी तरह समझ लो बेटा। क्या सच में? हाँ। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, जरा जोर से यार। ओ, 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 ओ। बड़ी बुरी लगी होगी। तुम अब वाकई में पिटोगे मुझसे? तुम समझते क्या हो खुद को? मैं क्या करूँ, मेरी आजकल ड्यूटी यही है। अब देखना तुम लोग गौर से, क्या मैं इसका क्या हाल करता हूँ, देखते रहना तुम लोग। हाँ हाँ बिल्कुल, देख रहे हैं हम लोग। मजबूर मत करो सईद, छोड़ दो, जाने दो मुझे आदर, छोड़ दो। वो लोग तुम्हें मार देंगे सईद, अपनी अपनी के बारे में तो सोचो, रुवेदा का सोचो कि उसका क्या होगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, हटो। जब वो इतनी मुश्किल में मेरे साथ रहे तो अब क्यों छोड़ गए? पता नहीं, लेकिन चली तो गई ना, मर जाएगी, घुट घुट के मर जाएगी। कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका मैं, नहीं रो सका मैं। तो फिर चलो पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, कम से कम वो तरीके से देख तो लेंगे। बस करो यार, अब चलो यहाँ से, हमें बहुत देर हो रही है, और भी काम है हमारे पास। चलो यार, ये तमाशा खत्म भी करो, बहुत हो गया है। चलो सईद, अब घर चलते हैं। बस जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं। एक सेकंड, आप लोग जाएं, हम बस उठ रहे हैं। चलो, इन्होंने तमाशा खत्म कर दिया, चलो अब। हाँ तो ओ, इतनी जोर से मारा है, बड़ी जान है तुम्हें यार। चलो,
मैं नहीं चाहता बाबा कि कोई भी मेरे बाप को बेवकूफ समझे। क्या मिला है आपको अभी तक बाबा? आपने अपने रोबर दबदबे का तमाशा बना लिया है। आप हमारे अबाव अजदाद की इज्जत को भी खो बैठे हैं बाबा। बताएं क्या चाह क्या रहे हैं आप? कि आप एक मामूली लड़की के हाथों एक कठपुतली बनकर रह गए बाबा। बताएं कि वो लोग जो बरसों से हमारी इज्जत करते चले आ रहे हैं वो हमें रुसवा करें अब? आज तक तो किसी की जरूरत नहीं हुई कोई हमारी इज्जत पर उंगली उठाए। किसी को अभी भेजो यहां। जाकिर से जाके कहो कुछ देर के लिए यहां आए, मुझे कुछ बात करनी है उससे। ठीक है भाई। सिरमा साहिबा, अली साहब को मेवाजात के साथ मीठा पसंद है और जाकिर साहब को बगैर मेवे का, बताएं क्या करूं? मेवाजात। ठीक है, मैं जरा मेवा लाती हूं। तुम बैठो, मैं लाती हूं। अम्मी, फिकरत साहब घर से बंदूक लेकर क्यों जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अरे मुझे पता नहीं था आप यहीं हैं। देखा नहीं मैंने आपको। वाकई जा रहे हैं। सलीम, बात सुनो, फिकर साहब कहां जा रहे हैं? ये नहीं पता, जाकिर साहब के साथ किसी काम से जा रहे हैं। बाबा, क्लब जा रहे हैं क्या? नहीं, तुम्हारे दादा के काम से जा रहा हूं। क्यों, तुम्हें कुछ काम है क्या मुझसे? अल्लाह खैर करे। बाबा कहीं जा रहे हैं, शायद जंगल की तरफ जा रहे हैं। मुझे पता है, मुझे मत बताओ। उनके पास राइफल है। बाबा, परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। ओके, चलता हूं बेटा।
कुछ चाहिए आपको? मैं गार्डन में जाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, आइए आइए। कॉल आ गई। हेलो आदिल साहब, चलो शुक्र आदिल साहब सईद के साथ हैं, रोक लिया है उसे। शुक्र है खुदा का। ओ ऐसा है, अच्छा हम इंतजार कर रहे हैं, जरा ख्याल रखिएगा। क्या क्या कहा उन्होंने अम्मी? बेटा वो पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे। पुलिस स्टेशन क्यों अम्मी? वो उसकी लीगल वाइफ है, छोड़ क्यों नहीं देते ये सब? जब जॉब मिल गई थी उसे, फिर क्यों गई वो? अल्लाह। क्या फिक्रत करा के आप हैं? मैं हूँ। आपके खिलाफ कंप्लेन। बताएं कैसी कंप्लेन? कि आपकी बीवी की जान खतरे में है यहाँ। जोरा कहाँ है? क्या तुम लोगों ने कुछ कर दिया उसके साथ? मेरे सामने बकवास करने के लिए। ये क्या है? क्या जोरा करा के आप हैं? जी हाँ। कंप्लेन ये है कि आपकी जिंदगी को खतरा है, क्या ये सच है जोरा साहब? मेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं और शोहर के साथ रहूंगी अब।